नाउ फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये चीज़ मॉडल करनी है, ठीक है, ये रूम के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो मॉडल करने हैं, ठीक है, इतनी तो पक्की थी दीजिए यूट्यूब जड़ी वीडियो ना रहनी पर मेरा रेफरेंस ला छा के उसे याद हो जाए, ठीक है, थाने फॉर एक वापस ऐसे से थे क्रिएट अ न्यू सीन डोंट सेव सो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज यूजुअली के एरे सिचुएशन में इकड़ो तो टायर से प्लेन या प्लेन के भी दफा करी बॉक्स टायर ठीक बॉक्स के थोड़ो कंट्रोल जेड मुझी विड्थ वधाए छड़ी से या जितरी ता के पांजो हिसाब सा रखनी यार ठीक है मां थोड़ी विड्थ है दई छड़ी से उन हा को हाइट 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 देनी पड़ी मुके चलो हाइट को डिसोस था पर मुझे हिसाब सा ही फॉर एग्जांपल मुझे रूम अच्छी राइट क्लिक के उसे फेसेस में वैसे इन फेस के मां कयो डिलीट इन फेस से मां कयो डिलीट ठीक है ये मुझे ऑब्जेक्ट अच्छी हो भले रूफ ता एक खपे तो खपे फिलहाल को मां छा कंदा तो फेस सेलेक्ट करे एडिट मैश इन्हें के सा या मैश में वनी सेपरेट कर लेंगे ठीक है इनसा छा थी दो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड ही ता ऑब्जेक्ट अलग थियो ही ऑब्जेक्ट ता जो फेस ओ सॉरी सेपरेट ना एक्सट्रैक्ट फेस सेलेक्ट क्यों हमारा ज्यादा तो बाकी ऑब्जेक्ट समूर हो जाए ये मैं डिलीट भी कर सका तो पर बाद में मुझे छतों ही रखनी पड़ी तो बजाय जो मैं डिलीट किया मायने के एक्सट्रैक्ट अलग कर दो मायने के सेलेक्ट क्यों मैश में व्यास से सेपरेट ना एक्सट्रैक्ट एक्सट्रूड एक्सट्रैक्ट ठीक है ऑप्शन समूर आए अगे आप आती है मेरा एक्सट्रैक्ट छा कंदो तो होपफुली इनके के अलग कचरी दो इनन के अलग कचरी दो W ही अलग थी हो रूफ के सेलेक्ट कर सिर्फ छत आनी पर साइज उतनी रही भले लोकेशन होती रखे या खड़ी फिलहाल रहा करे छोड़ बो तो मुख्य ज्योमेट्री में कम करो अंदर कारो थी तो मागे एट्रीब्यूट एडिटर में व्यम मेक श्योर रेंडर स्टेट्स में अच्छी डबल साइडेड अटैच छोड़ हाँ इन साथ नजर पे अच्छे अंदर गायब थी तो ऑपोजिट कर छोड़ माना मुख्य हाँ जो कि समझो दीवार आए को अंदर का लगंदी तो दीवार आ इन पास का तो मैं कम भी थोड़ा कर सकदम इन बहाने से कर सकदम हाँ ये जो ब्लैक तो अचे पे अगेन ये बिकॉज ऑफ माय ग्राफिक्स कार्ड आ फिलहाल अगर इफ यू वॉन्ट तो मैं इनके लेगेसी हाई में कह रिंदम थी मुझे थ्री वी साइड ठीक है थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड ये करे ब्लैक पे थे होपफुली तट न थियन खे जो थे भी तो बेसिकली माया जो ग्राफिक्स से भी थोड़ा इशू आ ठीक है उन बेसिकली समझ जो असो रूम ठही वो दीवारों छत अची वे ओके हाँ बेसिक कंपोनेंट्स जो क्रिएट करना फॉर एग्जांपल विंडो थी वही तो उनका मैं स्टार्ट कर तो विंडो इन पास अची वही हाँ ये विंडो जी ऑलमोस्ट फुल साइज विंडो आ ठीक है तो इनके जी भी चाह क्रिएट कर सको था फॉर एग्जांपल मां अगर करनी हुई तो मां था कदम तो लेट्स अस क्रिएट एडिट मैश में वही इनके थोड़ा रिप ऑफ किया इतने अची तो मुझे तो यार इतने अची में समझो एडिट एज राइट क्लिक एजेस सेलेक्ट ऑल दीज एजेस एने के वनी करे चरीज मुझा बा फ्लिप 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 ना चैम्फर चैम्फर एक्सट्रूड डिटैच कोलैप्स हाइट डिविजन्स या ला हिट टूल्स करे गया मुझा ओ हिट अच्छी सॉरी मैश टूल्स में ओके कट टूल मेक होल इंसर्ट एज लूप टूल जो मुझे खपे हो इंसर्ट एज लूप टूल में वम मैं इतने लूप टूल इतने इंसर्ट कर बो एच लूप टूल मैं इतने ये इंसर्ट कर टो मैं ये कर छो चौथो मैं इतने कर मैक्सिमम मुझी दरी जी सो एतरी ऑन कर ठीक है राइट क्लिक फेसेस ही फेस सेलेक्ट कर नाउ बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ विंडो तो विंडो में थोड़ी सी एजिस खपे तो मैं इतनी कहीं सेलेक्ट कदे कदे एडिट मैश एंड एक्सट्रूड 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 जेड डायरेक्शन में थोड़ा अंदर ही तरफ एक्सट्रूड कर छो तो दरी जो खाचो ठही वो हाँ इन ही फेस के सेलेक्ट कदे मां वापस एडिट मैश एक्सट्रैक्ट कर दिन हाँ थो तो हि दी भत अलग थी राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड हि भित अलग थी वही हि पोई दरी जो टुकड़ो अलग थी वजह यह है जो इनके अलग से हाँ वही रीमॉडल कर सकता तो वरी इनके राइट क्लिक कर फेस में इनके सेलेक्ट कर इनके बंद करीस इनके भी बंद करीस ठीक वरी खाली हाँ ऑब्जेक्ट एक फेस उन फेस के सेलेक्ट कर एडिट मैश में वैसे इतने ऑप्शन उनको पे डिवाइड यो एड डिविजन ठीक है एड डिविजन्स में ऑप्शन में वनीस
तो नंबर ऑफ डिविजन लेवल वन तो वो छा कह ऑटोमेटिकली चार दीवारी तुम्हें दरी जड़ी ठा दी ठीक है मुझे यार ही कम थी परफेक्ट भले अगर इन का मथे तक खपे तो करे करे छोड़ो तो हमें बची माना उन्हीं के डिवाइड कर माना एड डिविजन्स कह जो एक के चार कह चार के सोलह कह ठीक है तो हि एक के चार कहीं वरी चार के सोलह तो माना ही एकड़ो सोलह ही सोलह ही सोलह सोलह सिलाई डबल थी मुझे बाबा इन एक ही काफ़ी आ क्लोज करी वो बो कम जो मुझे थियण हों राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड ठीक है मां अची हम मुझे यार हाँ कम यू ये कर तो एजेस में वहीस एकड़ी एज बी एज टी एज चौथी एज ये चार ही एजेस सिलेक्ट क्यों एडिट मैश में वहीं इतने करी बिवेल बिवेल हमेशा छा कह एजेस के डिवाइड इतने मैं एजेस के डिवाइड किया फ्रैक्शन उन घटाईस ठीक है इन से पो ये फ्रेम ठही पी राइट क्लिक करे फेस एक फेस ये ना ओ ये बिल फेस थक 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 ये बच्चे फेस सेलेक्ट किया मैश में वैसे एंड एक्सट्रूड डब्ल्यू से थोड़ा एक्सट्रूड बार कटी आया राइट क्लिक ऑब्जेक्ट ठीक है तो ताई दरी थी हुई मेरा बा गाल समझ में या थोड़ो तेज थी हो ठीक है ना आ गाल हुई या तो एडिट विवेल चैम्फर ये बस थोड़ा को टूल्स खबर हो जन तो मां करे हां इने के चाहे तो अलग अलग भी ठा सको था को रिस्ट्रिक्शन ना ता ही एकड़ो क्यूब अचियो ही क्यूब अचियो सिलेंडर अचियो कोई प्लेन अचियो तने भी गाल छागी थी मे भी दरिया परदो आ गया या न भी ठायो तरे भी तानी मर्जी आ वो ये दिल कई मुझे ठाय छ तो ठाय छ ठीक है चलो उनहा पोची वन फॉर एग्जांपल ही बॉर्डर अची या बॉर्डर के पोदा टाइम परदो पे ठाय दो ठीक है मु चार मुखे खपे तो ते परदो और परदे जो सबनी का बेस्ट तरीको माछा कना तो ए परदे जो भी वही फनकार जो झालर मा हणे झालर की ठाय ये जी कर्टन जी के परदे मथा जो झालर ये की ठाय पंजन मिनट जो कम थी खबर ही करो असें वनो पे तो क्रिएट सीवी कर्व टूल ठीक हले हलिया टॉप व्यू में फोर प्रेस करी तो वायर फ्रेम अची वे भले तो खबर पे तो दरी असि पी ठीक मां वम ईपी कर्व टूल हाँ बोड़ी शे तो फॉर एग्जाम्पल मैं ईपी कर्व टूल खाँ हि लाइन हिं ठाई जी हिं खी हम तो कर्व कजनी सभी का इशू यो आ कर्व सा या ईपी कर्व सा जैसे बाय डिफॉल्ट ठाई तो एक हाँ यार ये गोल थी मुख्य बिल्कुल चौकोर विंडो ठाणी ठीक है जो पेंसिल खड़ो तो पेंसिल में भी पेंसिल से हल्द मजो न कर गुलाई ऑटोमेटिकली गुलाई खड़ी ये डचो थी पो सीवी से भी बेसिकली वो ये कह गुलाई सीवी तो वही गुलाई कर ही ठाई वो असा कहें याद आए यार हर टूल के अगर एक ऑप्शन विंडो मौजूद है हर टूल के अगर ऑप्शन विंडो मौजूद है ये ऑप्शन विंडो कर बुधा थी तो इन टूल ऑप्शन बया कड़ा कड़ा है जैसे तो ऑप्शन विंडो में वो तो टूल सेटिंग्स खुली हुई विंडो टूल सेटिंग्स में अची वो तो बाय डिफॉल्ट ही ठाए थी पी थ्री क्यूबिक बेसिकली मीन्स के कर्व के एक थ्री डिग्रीज से वो अच्छी स्मूथ थी करे पी वो प्रीवियस थ्री वर्टेक्स के काउंट करे उनके कर्व की स्मूथिंग लेवल के मैटर थी करे एंड जैसे तो कर्व ठाई तो तक समझ तो टिन वर्टेक्स तीन उनकी एजेस स्मूथ थी थन पी एकड़ी ब टे इन को हि वाली लाइन को मूव थे इन विच में तो हि थ्री डिग्री कर्व तकरीबन चल रहा है स्टैंडर्ड समझो घड़ो अगर मैथमेटिकली गाल कर जनरल तरीको यो तो थ्री टाइम्स उनके थ्री वर्टेक्स के भी काउंट थी करें पे एंटर तें करे वो स्मूथ थी वे पर अगर इतने तुम वापस ईपी में अची उनके लीनियर कर छो वन डिग्री मीन्स जिथे मैं क्लिक तो क्या हजरत तो उत वो का स्मूथिंग वमूथिंग कुछ भी ना भले क्लिक कर ड्रैग कर खत्म डिग्री हाँ ही ठाई एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर या स्ट्रेट लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स अगर तक स्मूथ लाइन्स खपनी है तो थ्री डिग्रीज थ्री क्यूबिक ये अब जी बाय डिफॉल्ट है पर अगर बिल्कुल स्ट्रेट ठाणी है तो अस ईपी कर्व टूल में ही अची ऑप्शन बॉक्स उनके चाहना हजरत तू वन वन से मुझे यार वन से ये जो मुझे परदो स्टार्ट पे थे इतना हाँ एसी तई वरी हलिया मुझा भा एसी तई हाँ इतने लाइन टेढ़ी मेढ़ी थी थे पी ठीक है माना सीधी ना आई
एकड़ो तरीको थी जी असा फोटोशॉप में यूज करना द शिफ्ट दबाई ना शिफ्ट अगर फोटोशॉप यूज कर तो फोटोशॉप में भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करण ले असा के शिफ्ट दबाना पड़ो शिफ्ट दबाए रखन हाने लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हाने लाइन हेट मथे भी तो क्या तरह भी ईजी तरीको है लाइन के बिल्कुल सीधो ड्रॉ करण जो मां शिफ्ट प्रेस करे एंटर कियो मां से करी चुको जो फर्स्ट क्लास बेहतरीन कम थियो हाने हल्या फ्रंट व्यू में लाइन किथे ठही है इतने ठही मॉडिफाई करी सेंटर पिवट मॉडिफाई सेंटर पिवट करे खणी वही मथे छो तो दरी मथे वो इन दरी जो पर्दो किए ठहणो आ पर्दो मुझे हिसाब से तो चलो इतने ही रखा पर्दो जो ठीक है दरी पर्दो दिसूस वरी अची ईपी कर्व टूल में ऑप्शन बॉक्स हाँ वरी सागो थ्री डिग्री क्योंसिस मुझे यार एक ये तो अचे ये तो अचे वरी ये तो अचे वरी ये तो अचे वरी ये तो अचे वरी हिं अची वरी हिं तो वनस वरी हिं तो वनस वरी वो ही गुल हिं तो ठहस वरी हिं गुल अची हिं तो ठहस बैक स्पेस माना ये मां रेंडमली मड़ी गुल तो ठाया पो हाँ एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली अलग ठहल आ ठीक थो बल्कि ही भी हेठा ठीक थो हाँ ज्यादा ही अं थोड़ा घुमाया कदम पर्सपेक्टिव में आयम इनके भी खी मॉडिफाई सेंटर पिविट अब तुझे भी सेंटर पिविट थी वे ठीक है फाइव प्रेस कर टेक्सचर पिविट थी वे मुझे यार ही कर्व खण शिफ्ट सेलेक्ट कर इनके कंदो समझ जेड़ो रिवॉल्विंग ठीक है करेगा वही रिवॉल्व बट फर्क सिर्फ इतना है कि अब रिवॉल्व की जगह पे वो इसको पाथ लेगा और इसको शेप लेगा अब हमने दो कर्व बता दिया रिवॉल्व में उसी कर्व को उठा के उसके गोल राउंड में जाता था अब ये राउंड में नहीं जाएगा अब ये पाथ पे जाएगा पाथ हमारा ये लाइन हो गई और शेप ये हो गई अगर मैं इसी को ही पकड़ के रिवॉल्व करूँ सरफेस रिवॉल्व तो इसके गिर्द कुछ इस तरीके का सरफेस बना देगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल कुछ ये भी अजीब सी चीज बन जाएगी ये हो गया रिवॉल्व सॉरी कंट्रोल जेड शेप को सेलेक्ट किया डिलीट किया पर मैंने कहा यार रिवॉल्व नहीं करो ये कर्व उठाओ ये पाथ उठाओ सरफेस में जाओ और इसको कर दो एक्सट्रूड ऑप्शन बॉक्स एडिट रीसेट सेटिंग्स एक्सट्रूड का मतलब ये है कि इसको एक्सट्रूड करो बट इन दिस डायरेक्शन इसको मैंने कहा कि डेस्टिनेशन एट पाथ करो ये मेरा पाथ हो गया और पिविट पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट पे जो है उसी पर रखो और फिलहाल इसको अप्लाई करो चेक करो कि रिजल्ट क्या बना तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट बना मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया कंट्रोल जेड इसको एट प्रोफाइल किया अप्लाई किया कुछ उल्टा बना एक मिनट कंट्रोल जेड पाथ सेलेक्ट किया शिफ्ट सेलेक्ट किया इधर अप्लाई किया चीज तो बनी पर वो नहीं जो मुझे दिमाग में थी तो शेप मेरा बड़ा गड़बड़ हो गया कंट्रोल जी पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको नहीं पहले कर्व फिर इसको अप्लाई हाँ सही ना ये आपके पर्दे का कुछ बन गया डिज़ाइन उसूलन ये भी सही नहीं बनाएगा इसका मतलब कर्व जो था मेरा वो सही नहीं आया इसमें बेसिकली मतलब सो अब हुआ ये कि इसको बल्कि यूं करो कि इसको मैं थोड़ा सा और ही बताता हूँ ये कर्व सेलेक्ट किया कंट्रोल डी इसको उठा के ऊपर ले गए राइट क्लिक किया फ्रंट में आ गए पहले एक सिंपल सा कर्व बना दिया सी वी कर्व टूल ई पी कर्व टूल ठीक है सिंपल सा कर्व ये था कि एक कर्व यूं गया फिर यूं गया फिर यूं गया फिर यूं गया फिर यूं आया और फिर यूं चला ठीक है प्रेस एंटर एंटर कर्व कंप्लीट हुआ पर्सपेक्टिव
अब हमें करना क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार इस ट्यूब के ऊपर इसका पाथ आ जाए। तो सिंपली पहले शेप सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, पाथ सिलेक्शन का सिर्फ मैटर कर रहा है, ठीक है। वो सिर्फ आपको चेक करना पड़ेगा एक दो दफ़ा डू करके कि क्या है। मोस्टली होता है कि पहले एक्चुअल जो प्रोफाइल है उसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, पाथ को एक्सक्लूड की ऑप्शंस के अंदर है, ट्यूब करनी है, डिस्टेंस करना है, फ्लैट करना है। मैं तीनों में भी डिफरेंस बताता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में मैंने कहा यार मुझे ट्यूब करो, रिजल्ट जो है वो पाथ पे बनाओ, यहाँ पे जो पाथ है ये पाथ आ गया। पिवट पॉइंट कंपोनेंट के ऊपर ही रखो, कंपोनेंट का सेंटर पॉइंट उसको कंसिडर करो, या क्लोजेस्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कहलाते हैं ये आखिरी वाले। वो कह रहा है कि आखिरी पिवट पॉइंट पे रखो या सेंटर पे रखो, मैंने कंपोनेंट का सेंटर पे रखो। ऑरिएंटेशन जो है इसको भी सिर्फ अभी चेक करना पड़ता है समटाइम्स कि आपका कर्व अगर सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ऑरिएंटेशन का मतलब ये उसकी कर्व की डायरेक्शन में कैसे रखूँ, रोटेशन इन अदर वर्ड्स, वो पाथ की रखूँ या प्रोफाइल की रखूँ। इन दिस केस ये पाथ है, ये एक्चुअल प्रोफाइल है, तो मैं क्या पाथ को फॉलो करूँ या प्रोफाइल को फॉलो करूँ। फिलहाल मैंने कहा कि यार प्रोफाइल को फॉलो करो, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, कुछ भी नहीं बना है। कुछ क्यों नहीं बना, राइट क्लिक कमांड लाइन एक्सट्रूड सरफेस बता तो रहा है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, ओ ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, ये ऊपर भी चला गया, डिलीट। अच्छा सॉरी, इसका पिवट पॉइंट मैंने सेंटर पे नहीं किया था, सी कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, अभी इसको यहीं पे रखा मैंने। इस हजरत को भी बनाया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको अप्लाई किया, ओ ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर, पता नहीं किधर बना, बना ही नहीं शायद, अब बना। सॉरी, वजह यह है कि इसका पिवट पॉइंट नज़र आ गया, ठीक है। इसकी वजह से डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट मॉडिफाई सेंटर पिवट, इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी सेंटर पे था, अब सेलेक्ट करके मैंने अप्लाई किया। नाउ व्हाट दिस डज इज कि जो आपका शेप था वो इस ऑब्जेक्ट के गिर्द इसने रोटेट कर, अगर आप चाहो तो इसको कंट्रोल वर्टेक्स, ओहो इसके कंट्रोल वर्टेक्स से सेलेक्ट करो, इसके शेप को अगर आप एडजस्ट करोगे ये बड़े मज़े से एडजस्ट हो जाएगा। अरे यार ये क्यों फ्लिप हुआ पड़ा है, हाँ तभी तो मैं कहूँ कि फ्लिप क्यों हुआ पड़ा है। सीधे ये कर्व बाहर की तरफ होना चाहिए, इधर अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि इस कर्व को सेलेक्ट करो, डिलीट, शिफ्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, ओरिएंटेशन, पाथ डायरेक्शन, अभी भी कर्व गलत है, अभी भी गलत, डिलीट, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, डिस्टेंस, डिस्टेंस उस चीज़ ये अलग बनाएगा। बनाना ट्यूब चाहिए, एट पाथ, एट कंपोनेंट, एट प्रोफाइल, इसको शेप तो सही होना चाहिए। अरे डिलीट बाय टाइप, अरे डिलीट बाय टाइप, इसको सेलेक्ट किया, शेप सेलेक्ट, इसको अप्लाई, द कर्व इज अपसाइड डाउन, कर्व्स अनलॉक 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 अनलॉक, इसको बाहर की तरफ होना चाहिए। उल्टा क्यों बना रहा है? एक कभी कभी छोटी चीजें मेरा दिमाग बना देती है, रुक रुक का टाइम वेस्ट। यहाँ पे सही बनाया उसने, यहाँ जो है उसने उल्टा कर दिया इसको, उसूलन इसको इसी डायरेक्शन में जो इसे यहाँ पे उसने किया था। कर्व राइट क्लिक, एक मिनट, या तो इस कर्व के साथ रिबिल्ड कर्व,
अट्टे हैं कमी ने सही कह बाहर कड़ी है इतने फेरा भी बस इन्हें भी करी डिलीट इन्हें भी करी डिलीट इन्हें भी करी डिलीट बी हर द नाइट्स ईपी कर्व टूल फॉर एग्जांपल ही कर्व अच्छी हो आई राइट क्लिक फ्रंट व्यू ईपी कर्व टूल मोड ऑब्जेक्ट अच्छी मॉडिफाई सेंटर पिवट इनके भी सेलेक्ट किया उसे पर्सपेक्टिव में वही मॉडिफाई सेंटर पिवट सेलेक्ट द प्रोफाइल शिफ्ट सेलेक्ट द कर्व गो इनटू सरफेस एक्सट्रूड करेगा एक्सट्रूड ऑप्शन बॉक्स ट्यूब पाथ कर्व हिट अप्लाई हाँ सही थी ठीक है नहीं चाहो सही है वो सवेर चुना पिट है लॉक रहा है बस क्या गलती थी वही उन्हें चाहो ना सही मान लिए बेरल तो एक्सट्रूड टूल छाकन दो जो है ना शेप के खड़ दो ऐने पाथ ते उड़े नमूने से एक्सट्रूड करें चलिए ठीक है तो ओड़ी नमूने से एक्सट्रूड थी तो अगर अस चाहूँ जैसे कि असा एडिट भी कर सकूँ था फॉर एग्जाम्पल वापस अची वन व्यू कोड वन में कारे मुहरे में वरी इन एडिट कर तो जी तुम एडिट कह ये उन हिसाब से शेप अस एडिट पे ठीक है इनके जो तुम डिलीट किया तो भले डिलीट किया इतने अची इन भी खड़ी मैं डिलीट किया सर्फेस अच्छा सर्फेस के ऑप्शन डिलीट किया इन भी सर्फेस इतने भी वही सागो पे पर्दो क्रिएट करना जो डिजाइन क्रिएट किया ठीक है राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स सिर्फ इन चूंबू जो थोड़ी फजीलत वाली कर लाइन कंट्रोल एडिट पॉइंट्स इन एडिट पॉइंट्स के भी थोड़ा इतने इन एडिट पॉइंट्स के इतने ये भी सब चूंबू जो थोड़ी नंढी पॉइंट थी वन ठीक है इन भी इतने खड़ी आयासी हाँ जो पर उम्मीद है हों फजीलत से ठीक है बहरा हाँ हे जो ओरिजिनल पर्द इन में जादू गिड़गिड़ लही सारी उन यो आोड़ो टुकड़ो टाइपे मैं डुप्लीकेट 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 कल वो थोड़ो टुकड़ो कि फॉर एग्जाम्पल यो ही शौजूद है मैं ठीक है इनके खी हल टॉप व्यू से फ्रंट में अच्छी हि मोड कर्व हो ईपी कर्व टूल कर एंटर एतरो एकड़ो कर्व टाइप ठीक है मॉडिफाई सेंटर पिवट डब्ल्यू डब्ल्यू खड़ी चीज मथे एफ माना एतरो एकड़ो कर्व टायो एतरो शेप टायो से भले इनके थोड़ो खड़ी इतने रखी लाया इनके सेलेक्ट किया शिफ्ट सेलेक्ट किया अप्लाई किया ही मोड एतरो टुकड़ो ठही हो फर्स्ट क्लास थ्री प्लस किया से मुचो लॉ वी आई पी इनके याद इतने मैं डुप्लीकेट कह राइट क्लिक कर डिलीट किया डुप्लीकेट भी तरीको यो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर शिफ्ट सेलेक्ट कर कर्व्स के ठीक है चाहें तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इन डुप्लीकेट थी वे एक अस डुप्लीकेट कह डुप्लीकेट स्पेशल ठीक है पर इन में अड़ो सच को ऑप्शन ना तो डुप्लीकेट ऑन पाथ करें वो असा वह एनिमेशन में ऑप्शन ही घुमाया जाए बताइए redirect scene wrap god you've got to be kidding me deform custom cache modeling na le abare uv deform blend deform shift पाथ 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 एनिमेशन के थे भाई यार वांट तो कोई एनिमेशन भी खपे की फ्रेम रिडायरेक्ट सेट टाइम रैप करंट स्लो कैरेक्टर सेट के सब वर्ड में मर्ज आई के एफ के बेक एनिमेशन
line shape targets, playback, visualize, create editable motion tree. कसम से यार टूल जो हो जाए मन टाइम फ्रेम कैरेक्टर सेट एडिट कट कॉपी पेस्ट होल्ड करंट फ्रेम बेक एनिमेशन ऑटो डेस्क कंप्लीट तो बेक करे लेकिन बेक भी तो करनी है यार प्लेबैक सेट रेंज टू यार किए तो थी सके यूरो जबरदस्त ऑप्शन हो गए मुझे लाया सर होता अंदर ये मटाई जाना से काफी एनिमेशन में हो मॉडलिंग में मोकले चला जाना वेल आई विल डू इट माय सी नंडी ऑब्जेक्ट आ मॉडिफाय सेंटर पिवट सो बेसिकली व्हाट वी डू नाउ इज राइट क्लिक इने के खणी चीज ये बटन दा फॉर डुप्लीकेट वन मैन्युअली करे वट ठीक है वो दे जो रेफरेंस डुप्लीकेट स्पेशल केतरो करणो आहे जो पूरो सही थी पिए तो समटाइम्स खबर न पवंदी आहे त मां छा कंदो आहियां हिन खे सलेक्ट कयो से ऐं डिलीट बाय टाइप या वैल्यूस ते अची वियासीं फॉर एग्जाम्पल हींअर करंट जी वैल्यू आहे उहो ऑलमोस्ट हिते ज़ीरो ते ठीकु आहे पोइ मां हिनखे जे डुप्लीकेट थो कयां कंट्रोल डी त ही तक़रीबन मुंहिंजी अची वञे हिते जेको हीअं अची वञे हिते ठीकु आहे पर हीअ त परदो ई कोन थियो अलाए छा थी वियो या हॉल हॉल वारा को ठीकु आहे असां पंहिंजे नए स्टाइल जो परदो था खणी धूड़ वञी पाएसि ठीकु आहे त हीअ अची वई हिते हाणे मूं चयो यार हीअ त हिते अची वेंदो इन जो मतिलबु त हीअ तक़रीबन 1.2 यूनिट्स मूव थो करे पियो ठीकु हिनखे करे सघे डिलीट हिन हज़रत खे सिलेक्ट करे इंस्टेंस मूं चयो यार करीसि टोटल 12 कॉपियूं या 10 कॉपियूं करीसि ऐं ट्रांसलेट एक्स वाए ज़ी में हुयो न एक्स वाए ज़ी में -1.2 ते रखीसि हेठि अप्लाए करीसि हीअ अची वई कॉपी अञा खपंदियूं नई शिफ्ट डी कयो न इंस्टेंस थियो पक स्पेशल न थियो हल अदा जल्दी कढिस मूंखे पूरो कमरो ठाराइणो आहे जेकी देरि में तूं एतिरो देरि कराए हिते ई रखी डुप्लीकेट स्पेशल करीसि हाणे किटली दबी दरियाति हिते अची वञ हिनखे खणी रखीसि भले हिते ई हिनखे खणी करीसि रोटेट 90 degrees ठीकु डब्लू हीअ अची वञे ओ हिते हिकिड़ो परदो हिते अची वियो हीअ बि जेको एक्स्ट्रा ठाहियोसीं हिनखे बि खणी अचीसि हिते -90 डब्लू हीअ अची वियो हिते ठीकु आहे मां पायांसि त थोरो कर्व जेको हिन जो हाणे सभु इंस्टेंस आहिनि त अगरि तव्हां चाहियो त हिन कर्व खे बि एडजस्ट हिते ई करे सघूं था फॉर एग्ज़ाम्पल एडिट पॉइंट में आयासीं हिनखे सिलेक्ट कयोसीं त हाणे हिनखे अहिड़ो छा कजे जी हज़रत मोटो थी बीह रहे मां नथो सम्झां हिते हिकु जहिड़ो कारो मूं करे सघूं था फ़िलहालु ठीकु आहे अगरि हिते नथा करे सघूंसि त ॿी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त मूं वटि हिते आहे नर्व्स जो कंट्रोल थियो अलाए छा आहे न इहा ख़बर नथी पए ठीकु आहे नओं नयों नयों परदे जो क्वालिटी निकिती आहे राइट क्लिक ओ हले आ ओ ही आख़िरी एच बी झले
ખબર પણ હિર નબી પેદા છાપે છે આખરી એજીસ પકડે સાઈન એડો પડદા ટાય છે રહ્યા છે યાદ કરો આણે ભાગ્ય છે બી બુરાઈ બચી એને ખે ઠીક ના હિને કે ઠાણ એકડો બ્યો તરીકો સોલો ઠીક ઓ હી જો પડદો ઠાણ ઠાણ તો પડદો ઈ હોયો થઈ એલા છા આવ્યો ઓકે 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 અને કહ્યું અહીંયા થા ક્રિએટ ઇતે પેન્જો ઇપી ટુ ઠીક ઇપી ટુ અહીં થ્રી ક્યુબિક ठीक है हाँ मुख्य वो पर्दो ठाण अरे मैं क्या चाहते थो एक तो कम यू था क्यों जो दरी केतरी वरी आई पेरी बुदा दरी एतरी है ना बो इत ऑप्शन दिन हों दिन खपन इनके काड़े वो ओ ही वो अगर ही नजर नो अच एरो पिंड क्लिक कौन इफ यू क्लिक ऑन दिस एरो ही मिली वो चार्जेस मैग्नेटिक टूल ठीक है मैग्नेटल अगर इन क्लिक कौन पे तुझे मतलब ग्रिड से ऑटोमेटिकली स्नैप कौन हरूभरू जैसे ग्रिड के कोन से पॉइंट्स मैच थी पड़ा इन फायद यो तो माइक्रो पॉइंट्स हर ग्रिड के पॉइंट से क्लिक कौन आया थ्री क्यूबिक माना स्मूद उनके ठाणी है पर बिकॉज सीधी सीधी लाइन ठाई तो वहाँ तो सीधी सीधी लाइन ठाई तो वहाँ ओ खी वनीस बल्कि एतरी काफ़ी है पर एडो वो थोड़ी ठहन टाइम एसी ठीक है राइट क्लिक कियो से कंट्रोल वर्टेक्स या खड़ी वही एग्जैक्ट पॉइंट में शो लव्यू बोर्ड राइट क्लिक एडिट पॉइंट में ठीक बिकॉज मां हर उन क्लिक कर तो हर उन वर्टेक्स आते पेरी छे बी सिलेक्ट कई वरी एकड़ी छे बी सिलेक्ट कई वरी एकड़ी छे टी सिलेक्ट कई वरी एकड़ी छे चौथी सिलेक्ट कई वरी एकड़ी छे पंजी सिलेक्ट कई वरी इं कर आखिरी में सब वर्टेक्स सिलेक्ट कई से डब्ल्यू प्रेस कर से इन्हें के मूव कर से थोड़ो अच्छा डब्ल्यू से मूव कर दे पर जो ग्रिड स्नैपिंग ऑन लगी पे ना तो ऑटोमेटिकली स्नैप कर देना है सिर्फ बस वो एकड़ो रुको एकड़ो बॉक्स से स्नैप कर दो ना जिगजैग पैटर्न में ये जरी ठई गई सॉरी जरी तो जाओ ये कर्व ठई गई वो इन्हीं सिर्फ एकड़ो कर्व का सेलेक्ट करे वापस मैं विंदा मॉडलिंग मेन्यू सेट में सरफेस एक्सट्रूड ऑप्शन बॉक्स हिंसर वो एक्सट्रूड कह पर हिंसर ट्यूब न कह ट्यूब कहे तो खपंदा इनके सिंपली डिस्टेंस कम सिंपल डिस्टेंस कर डिस्टेंस कर से ऑप्शन तमाम चेंज थी फिलहाल एतरी रखी मैं चो बबा हजरत टू थ्री वन अप्लाय ठीक है फाइव प्रेस कर से तो सफा गायब थी अल्लाह अकबर फोर प्रेस कर से सरफेस असानी क्रिएट थी वही सरफेस के भले खड़ी तक मॉडिफाई सेंटर पिवट ग्रिड स्नैपिंग में ऑफ कर छी अगर तुम फाइव प्रेस कौन तो कारो कार कहानी वजह यह है व्यू पोर्ट असो अंदोमो थी लेगेसी के वापस टर्न कियो से इन के थोड़ो खड़ी अच्छी मथे बेसिकली तुम परदे नुमा शेप तैयार थी फर्क सिर्फ एतरो ही आए पिचकड़ो सो ठहल एतरो ही वही एक्सट्रूड ये कौन फॉर एग्जाम्पल मैं इनके खो न अगर मैं वेम कर्व्स एक्सट्रूड ऑप्शन बॉक्स अगर डिस्टेंस कौन तो इनके बे कर्व जरूरत ना उन ओतरे ही कर्व के खड़ी थोड़ो रुक एक्सट्रूड कर ठीक है तो को भी सांचो ठहणो आ या दरी ठहणी आ या दरी जिंजी सिंह ठहणी आ ओड़े हिसाब से इनके कर से डिलीट मु चाक्यो यार थोड़ो पर्दो ये करें कर्व ठाए अल्टरनेट वर्टेक्स सेलेक्ट करे को उनके थोड़ो बाहर कढ़ी वरी एक्सट्रूड कर दी एक्सट्रूड थे को इन एक्सट्रूड करी बंद मसलो या थी नंढड़ो मुझे इलाही सारो खपे एक्सट्रूड ऑप्शन में हलो इनपुट में वो इतने लेंथ डिनी पी वन मुँह चो यार ये थी वन तू दह पर्दो वो थी डब्ल्यू खड़ी वही मथे तीन ठीक है ओ पानी दरी जो पोया वही रखियो से सबर कराया है गुंज देना है ठीक है वर्टेक्स सेलेक्ट करें बस 20 देखनी है ठीक है हाँ ही थी वर्टेक्स हाँ भले इन्हें के थोड़ो मुख्य आया मुझे रहने के गुंजाया से न्यूज़ था तो बेजो खड़ी आया से ये चीज़ है इतने ओके इन्हें के करें चरीस वायर फ्रेम ऑन ऑब्जेक्ट ही हाँ सीधो सीधो गुंज अची ठीक है पर असें पर करो हाँ इन विच में असेंगे सेगमेंट खे
ठीक है हाँ इन के विच जो सेगमेंट आने लाइन पव जो विच में अस राइट क्लिक कर फॉर एग्जाम्पल हाँ ही है बल्कि मिनट इन के ठीक इन करी डिलीट वापस नया तो कर्व सेलेक्ट कर से। ठीक है सरफेस में वैसे एक्सट्रूड जैसे बाय डिफॉल्ट एक्सट्रूड कहूँ नर्व्स की ज्योमेट्री नर्व्स थोड़ा मैं शुरू में गलाया घो न गलाया ठीक है नर्व्स ही होंगी कंटिन्यूस ज्योमेट्री पॉलीगॉन ज्योमेट्री ना इनमें नर्व्स में पॉलीगॉन में फर्क है नर्व्स तो सुबह वे भी लेक्चर से गलाया फिलहाल मैं इनके वापस से सीधो पॉलीगॉन तो कर सकें कंफ्यूजन न रहे तो पॉलीगॉन तो करेट अची मैं इनके कदम तो यार तू बेस्ट एक क्वाड्स करी ट्राइंगल कह तो कुछ ट्रिकुंडा ट्रिकुंडा फेस स्टाइल ठीक है मुझे ये न कर क्वाड्स टाइम चुकोर 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 फेस कर चुकोर फेस टाइम छी इनमें सेगमेंट्स केतरा रखे मुझे कर फजीलत से काउंट करी घट में घट इनमें फॉर एग्जाम्पल 300 सेगमेंट कर अप्लाई कदे ये तुम शही में एक्सट्रूड में वही इनके अस लेंथ दींदे फॉर एग्जाम्पल 20 मॉडिफाई सेंटर पिवट डब्ल्यू हाँ उन ऑटोमेटिकली पॉलीगोनल शेप टाइम समझा तो इनमें सेगमेंट्स अं भी नजरत घट रखा तो नर्व्स वाले टेसिलेशन में अची ट्रोसेव की जगह से तू खी वही हजार ये हजार सेगमेंट्स मजो न थो यार त्रिकुंडो थी ये करी तो नर्व रखी था इन कर पॉलीगॉन यूज घट कह तो पॉलीगॉन में ज्योमेट्री स्मूथ न थी वो इनके वही असा करना पव स्मूथ करो पव जैसे स्मूथ कहे तो इनमें सेगमेंट्स एतरा थी पा ज्योमेट्री गरी थी थी मैश के वही इनके स्मूथ हो जैसे कदम करे वो स्मूथ 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 तो हाँ सेगमेंट्स कड़ा सारा थे स्मूथ तो थी हाँ इलाही सेगमेंट्स इन जगह से वो चंदा यार ये छो नर्व्स यूज कर नर्व्स तो कर स्मूथ ज्योमेट्री तो दिन पर कंसिडरेबली लाइट वेट है अगर ओतरी तक स्मूथ खपे थी हाँ इनके मार सिंपली चाहिए मुझे नर्व्स में करी हेठा सब ऑप्शन गायब थी वो पानी स्मूथ कह इतने इनके अस रख से 20 एक्सट्रूड डब्ल्यू मॉडिफाई सेंटर पिवट ये ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री असि स्मूथ कर्व टाइप खड़ी वही है रुगो मैं चेंज पॉलीगॉन वही कर तो मुझे वापस शेप के थोड़ा एडिट पे करो पे मुझे मैं नर्व्स टूल फिलहाल इस्तेमाल करने मूड में न हो पर हाँ वरी इनके वही टूल यूज था करें इनके खड़ी फॉर एग्जाम्पल 25 कर 25 इलाई थी 22 खड़ी करी एतो पर ठीक है ये खड़ी अची थोड़ो इनके पे भी खड़ी आस भले अगर खपेस तो स्केल कर थोड़ी स्केल इन भी घटाईस इन भी गुंज के थोड़ा मैं घटाया तो परदन जड़ी गुंजाइश थी भी है ठीक है हाँ असल में इनके यो फोल्ड किए कजे वो इन वागर ठीक है तो सवलो तरीको सवलो जो सवले में सवलो तरीको यो राइट क्लिक कर हलो वही कंट्रोल वर्टेक्स हेठा वर्टेक्स हली स्केल पर को भी ही थोड़ो ही घूमी पोद माना वो नेचुरल लुक ना हाँ विच में असा सेगमेंट्स इंसर्ट करना हाँ नर्व्स की ज्योमेट्री है इनमें यो समझ सर्फेस ही बी टाइप है इनमें टूल्स भी यूज थे इनमें पॉली जो को भी टूल इस्तेमाल को टूल्स पाया हाँ सभी का पैंती असा पव राइट क्लिक कर वनो पव आइसोपॉम आइसोपॉम छा ही जी ब्लू लाइन्स हैं जैसे अस पॉलीगॉन में एजेस चाहूँ इनमें उनके चुप आइसोपॉम वो क्लिक कर ड्रैग कर विच में किथे यार तक आइसोपॉम किथे तो खे मुझे चार इतने खे फॉर एग्जाम्पल इतने सॉरी ओ हेटा एज का छिके अचोस इतने खे वरी हेठी एज का छिके अचोस यार मुझे बो खे तो ये वर्टिकल बने एक्चुअली हेठ गया इन डायरेक्शन में आइसोपॉम इतने तो खे वो असाया वैसे सरफेस इंसर्ट आइसोपॉम इंसर्ट आइसोपॉम इंसर्ट 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 ओ इंसर्ट आइसोपॉम ठीक है सरफेस में अंदर ही इंसर्ट आइसोपॉम इनके इंसर्ट किया से इंसर्ट थी वे ठीक है वरी बो भी खपे तो राइट क्लिक कर आइसोपॉम में वैसे इन आइसोपॉम के छिके ड्रैग करो पव
डायरेक्ट क्लिक से कौन ही दो तो ये येलो लाइन अच्छी हुई येलो इंडिकेट थी करत इते ताक आइसोपाम इंदो चाहे इते खपे दो मुचो आ ठीक है इते खपे दो सरफेस में वैसे इंसर्ट आइसोपाम इते सेगमेंट अच्छी राइट क्लिक करे हाँ ऐसा था कना से सेलेक्ट कना से होल या कंट्रोल वर्टेक्स खड़ी फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर मुझे ये जगह वर्टेक्स है थोड़ा ही बाहर थी पी रन ये वर्टेक्स भी थोड़ा ही अंदर थी पी रन ये लगे ये जगह वर्टेक्स है थोड़ा ही लटकल पे तो हमने के भले खड़ी कोई ओ है आखिरी बारे बिन के टीम के चले बाकी ने खड़ी मारा का नाम पूरे स्केल के से ये खड़ी है थोड़ा वो लुक अच्छी कर दिया इन्हीं कई खड़ी वरी कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर है खड़िया वरी स्केल में रिसीव्स द एक्स वाई जी आ ना जी में जितनी भी वैल्यू हो जाए उनके माइनस हनी सर ये फ्लिप थी इन्हीं तरफ समझो पढ़ो अच्छी मना है के डुप्लीकेट करो समझ में आई गई क्या ठीक है डुप्लीकेट करें अगर मूव किया से कुछ जितने मिरर करो उनके माइनस वन किया से था वन घना हेतरी देर में फिर पर दो तो माइनी करे ना पे खान चाहे ये लेने में फांसी बना सर मुझे सीन्स करे हमने लिखा ये चीज ठीक है बाकी हाँ फॉर एग्जांपल ही सोफो बच्चों